गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टेंथ के सब्जेक्ट है एक SST इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी प्रोटेक्ट दिस प्रोटेक्ट द वर्कर ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उनकी हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे, हम लोग देखते हैं कि अधिकतर अभी तक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं जहां पर काम लोगों को मिलता है, लेकिन इसमें जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, जितनी जिन एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पाता है, देर आर सो मैनी कॉजेज, उसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो काम करने वाले संस्थान हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में आ जाते हैं। उनका मेन कारण ये होता है, ये चाहते हैं कि ये उसे ये हो जाती है कि अपने को टैक्स से बचाते हैं, ये टैक्स से बचाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे जो संस्थान में काम होता है उसमें लेबर लॉ लगता है, मजदूर से संबंधित जो नियम होते हैं उससे बचने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और उनको ये सुविधा हो जाती है कि अपने कर्मचारियों को कम वेतन पर ये कम मजदूरी दे करके काम करा सकते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं जो भी जॉब हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जॉब्स आर नॉट सिक्योर, ये सुरक्षित नहीं है। द पीपल हु वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर गेट लेस सैलरी दैन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम देखते हैं कि इसमें जो लोग जॉब करते हैं उनको पूरी वेतन नहीं मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है, उनके काम की सुरक्षा नहीं है, जब चाहे वो व्यक्ति रख सकता है, काम से हटा सकता है, ये असुरक्षा हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलती है। खास करके 1900 के बाद ये बदलाव हमें देखते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बहुत सारे ऐसे वर्कर जो हुए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, उनका काम क्या हो, काम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम लेते थे उनको उन्होंने काम से हटा दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो वर्कर थे दे आर फोर्स टू डू जॉब इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो वैसे लोग जो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे मजबूर होकर के ये असंगठित क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इनको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी अर्निंग बहुत लो हो जाती है, बहुत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है और काम करने के समय निश्चित नहीं रहता है, उनके काम की सुरक्षा नहीं है। ये जो भी वर्कर हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के उनकी इसलिए उनको सुरक्षा की जरूरत है। खास करके अब ये हम देखें कि हु आर दिस अनप्रोटेक्टेड और वल्नरेबल पीपल्स हु नीड प्रोटेक्शन। इसमें हम देखें कि कौन से लोग हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत है। खास करके हम रूरल एरिया में देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से इसमें लैंडलेस लेबर हो जाते हैं, छोटे किसान हो जाते हैं, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, ये लोग हो जाते हैं जो बिल्कुल ही अनप्रोटेक्टेड हैं। खास करके बहुत सारे जो पट्टेदारी पे जो खेती करते हैं या बहुत सारे कारीगर हैं, खास करके कोई कपड़े बुनने काम करता है, लोहे काम करने वाला लोहार है, बढ़ई है, सोने काम करने वाला, ये जो सुनार वाला जो गांव देहातों में ऐसे लोग हैं उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। खास करके हम देखें नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के 80% हम लोग देखते हैं जो घर के वैसे लोग हैं जो खास करके वैसे क्षेत्र में काम करते हैं, खास करके स्मॉल और मार्जिनल फार्म कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और इनको सुरक्षा की जरूरत है, साथ ही साथ उनको सहयोग की जरूरत है। खास करके जो छोटे किसान हैं उनको समय पर सीड चाहिए, साथ ही साथ दे ऑल्सो नीड्स एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी। साथ ही सरकार अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटी सुविधा बैंकों से सस्ते दर पर लोन मिल जाता है, साथ ही साथ दे गॉट स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, देयर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड। इस तरह हम देखते हैं जो भी ये उनको सामान पैदावार होती है, अनाज पैदा होता है, उत्पादन होता है, ये उसको रखने के लिए अगर गोदाम बना दिया जाए, साथ ही साथ उनको नजदीक मार्केट उपलब्ध करा दिया जाता है तो उनकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं आगे, ये तो हम रूरल एरिया में देखे, नाउ वी विल सी व्हाट द पोजीशन ऑफ
वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन अर्बन एरिया, खासकर के अर्बन से एरिया में हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वर्कर जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते, खास करके दे वर्क्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योगों में ये काम करते हैं और ये ट्रेड में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए हैं, और ये जो वर्क खास करके बहुत सारे ऐसे जो वेंडर हैं गलियों मोहल्लों में काम करते हैं, कपड़े बेचने काम करते हैं, सामान ढोने काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कूड़ा कचरा उठाने काम करते हैं। तो इसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो दे नीड ए गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको कच्चे माल अगर मिल जाए समय पर उनका प्रोडक्शन उनका सही समय पर होगा, साथ ही साथ अगर सरकार प्रोवाइड्स मार्केटिंग आउटलेट्स आउटपुट्स मार्केटिंग की सुविधा अगर देती है सरकार, तो उसमें क्या होगा उनको उनकी प्रॉफिट बढ़ेगी और स्मॉल स्केल जो छोटे सब काम करने वाले उद्योग धंधे हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा। इस तरह हम देखते हैं देयर शो मेनी कैजुअल्स वर्कर्स इन बोथ रूरल एरियाज टू बी प्रोटेक्टेड। इस तरह हम लोग देखते हैं खास करके शहरी और देहात दोनों क्षेत्रों में वैसे बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, खास करके ये मुख्य रूप से दे फाउंड मेजोरिटी वर्कर्स दे कम्स फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरीज एंड ट्राइबल्स कैटेगरीज, खास करके वे ऐसे समुदाय से आते हैं, खास करके हमारे दलित समुदाय से हैं, आदिवासी समुदाय के हो गए, पिछड़े वर्ग के लोग इसमें खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको कभी काम मिलता है कभी नहीं काम मिलता है, उस स्थिति में उनके साथ समाज में भी भेदभाव होता है, ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद चीन और सोसाइटी ऑल्सो प्रेजेंट इन इन प्रेजेंट ऑल्सो वी ऑल्सो सो दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज। बहुत सारे ये जो कार्यकर्ता हम देखते हैं, ये जो वर्कर हैं काम करते हैं, ये हमारे सामाजिक आधार पर इनके साथ भेदभाव होता है और आर्थिक आधार पर भेदभाव होता है, इसलिए सरकार को इनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम बनाने की जरूरत है, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा देने की जरूरत है। ये हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है इसको सरकार की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिवीजन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के आधार पर डिवीजन हम लोग करेंगे इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।